Good morning students, welcome to BRG YouTube channel and let us start with the class of HRM subject BBA code 303. So students, last lecture में हमने HRM that is human resource management subject के concept को discuss किया था in the very first lecture of HRM और आज की इस class में हम उसके nature और scope को discuss करने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको वापस से बता दूं concepts को topics को पूरा समझने के लिए video को last तक देखें। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। हमने बात की टॉपिक, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एचआरएम सब्जेक्ट जो आप इस सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं। वापस से एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिकॉल करा देती हूँ। एचआरएम तीन वर्ड से मिलकर थ्री वर्ड से कंप्राइज होकर एक टर्म बनी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम इज बेसिकली कंप्राइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली इज एन एक्टिविटी प्रोसेस इन विच वी एंगेज एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी एंगेज इट स्टाफ एम्प्लॉइज मेंबर्स इन अ मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जब अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में यूज करके अपने और इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होपफुली आपको अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में क्लियर कोर कॉन्सेप्ट उसका क्या है। आज की इस क्लास में स्टूडेंट विल स्टार्ट विद द नेचर एंड स्कोप ऑफ एचआर। इफ यू टॉक अबाउट द नेचर तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें जिससे कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर समझ में आए। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ एचआरएम। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। एचआरएम बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। एचआरएम इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। इट इज नॉट अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ बट इज एन ओनली फील्ड ऑफ स्टडी। एक्चुअली में अपने आप में एक डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन मतलब इट इज नॉट अ सब्जेक्ट इटसेल्फ, इट इज बेसिकली अ फील्ड ऑफ स्टडी। एक अपने आप में एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर हम वेरियस प्रोसेस, वेरियस प्रोसीजर्स, वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस कंटेंट पढ़ते हैं। तो इट इज इटसेल्फ अ फील्ड ऑफ स्टडी। एचआरएम बीइंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस ड्रॉ हैविंगली फ्रॉम द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स टेक्निक्स एंड अप्लाई दीज इन द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि एचआरएम मैनेजमेंट का पार्ट है तो ह्यूमन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने के लिए, उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए बेसिकली हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल्स को, टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं जिससे कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में यूज कर सके जिसकी वजह से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। अब अगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली द सेकेंड पॉइंट इज यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। एचआरएम इज परवेसिव इन नेचर, इट इज प्रेजेंट इन ऑल एंटरप्राइज। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली यूज इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी कंपनी, तो इट हैज अ यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। इट इज प्रैक्टिस्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज यूज्ड एवरीवेयर, तो इसीलिए इसको कहा गया है यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। इट इज परवेसिव इन नेचर, इट इज प्रेजेंट इन ऑल एंटरप्राइज। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, लोगों को मैनेज करने के लिए आपको एचआरएम की कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी होती है कि वो इफेक्टिव मैनर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंटली वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, टाइम का, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप एंटरप्राइज में एचआरएम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इट हैज अ यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। होपफुली आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। इफ यू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज कंसर्न विद पीपल। इट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग इज एचआरएम इज कंसर्न विद पीपल। एचआरएम इज ऑल अबाउट पीपल एंड वर्क बोथ एज इंडिविजुअल एंड ग्रुप। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट पीपल। व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयज, व्हेन वी टॉक
about staff. So HRM is basically all about people that work both at individual and groups. Organization में कोई अकेला बंदा काम नहीं करता है. अकेला person किसी भी work के लिए responsible हो सकता है, but they all work in a team, they all work in groups. So basically HRM is people at work, individual level पर भी और group level पर भी. It tries to put people on assigned job in order to produce good results. HRM का basically focus क्या रहता है? क्यों इसको induce किया जाता है organization में? So that we can assign job to right people at right place on right time, so that we can produce good results. अच्छे results के लिए जब हम लोगों को सही समय पर सही job के साथ engage कर देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी particular skill में बहुत capable हैं, आप पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ज्यादा स्किल है, बट उस तरह का काम आप नहीं कर रहे, तो राइट पर्सन राइट जॉब में नहीं है, तो रिजल्ट जो है ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव लगभग आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. तो दिस इज द ओनली वर्क ऑफ एचआरएम टू असाइन राइट पीपल एट राइट जॉब. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम. सो इट इज कंसर्न विद पीपल, हाउ और हु कैन डू द वर्क इन बेटर मैनर, दैट इज कंसर्न विद पीपल. द रिजल्टिंग गेन आर यूज इन रिवॉर्ड पीपल एंड मोटिवेट टूवर्ड्स द फर्दर इम्प्रूवमेंट इज प्रोडक्टिविटी. जो भी रिजल्ट स्किल्स कैपेबिलिटीज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है, वो आगे चल के लोगों को मोटिवेट करने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज होता है. इफ यू टॉक टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एक्शन ओरिएंटेड. HRM focuses attention on action rather than keeping written records, procedures or rules. अगर हम बात करें तो HRM focuses attention on action rather than on keeping written record or rules. The problem of employees are solved through rational policy. If we talk about the next point, तो HRM किस पर focus करता है? Basically pays attention on the action rather than on written records. अगर किसी एम्प्लॉय की कोई प्रॉब्लम है, स्किल और कैपेबिलिटीज का कोई इशू है, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, चीजों को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीजें बेसिकली एचआरएम में अकॉर्डिंगली डील होती है. इट डज नॉट कीप एन रिटन रिपोर्ट. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आपने रिटन में उसको सबमिट कर दी, विल बी डील्ड अकॉर्डिंगली कि आपने नोट डाउन करके. इट बेसिकली फोकस ऑन एक्शन कि हाउ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन एन इफेक्टिव मैनर. आपको उस पर ध्यान देना है. तो बेसिकली focus attention on action and it helps to solve the policies through rational policies. Employees की problems को rational policies को use करके solve किया जाता है, so that each and every employee is satisfied with his or her work. Coming to the next point, directed toward achievement of objective. HRM basically direct towards achievement of organizational objective by providing tools and techniques of managing people in the organization effectively. Basically HRM focus on directing towards the achievement of organizational objective. जो main important उद्देश्य है HRM process का, HRM activity को follow करने का, HRM को study करने का, वो यही है कि basically directed towards the achievement of organizational goal by providing tools and techniques to the people. जो भी employees में काम कर रहे हैं उनको tools, techniques, ऐसा environment, ऐसा माहौल, चीजों की प्लानिंग अकॉर्डिंग की जाती है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, इंडिविजुअल गोल्स को अचीव कर पाए. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म. HRM tries to build and maintain cordial relationship between people working at different level in the organization. It tries to integrate human assets in the best possible manner for achieving organizational goal. इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि HRM tries to basically build up a trustworthy, healthy relationship between the human assets working for the company. जो भी employees, जो भी group of employees company के साथ जुड़े हैं, they are the working assets of the company. उनके साथ इस तरह का माहौल, इस तरह का environment, इस तरह का अच्छा relationship maintain किया जाता है, so that it is possible to achieve the organization goal in the best possible manner. अगर आप किसी को अच्छा माहौल, अच्छा environment दे रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा सराहा रहे हैं और इसके अलावा सराहना दे रहे हैं, इसके अलावा जहां भी उनको कहीं कमी लग रही है एनवायरमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो सब चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक बेटर मैनर में जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड.
HRM intends to develop the full potential of employees. It is very much important. Human resource management का एक काम है कि employees के full potential को develop करना है. If the person is working up to 90% capability, so it is the work of HRM to deal with 100%. आपको उसकी potential को बढ़ाना है. उसको demotivate नहीं करना है कि आप नहीं कर सकते तो आपसे नहीं होगा ये काम. आपको उसे प्रोत्साहन देना है जिससे कि वो और ज्यादा अच्छे से काम कर सके एंड एट लास्ट आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव कर पाए. टू प्रोवाइड टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज अटेम्प्ट इज मेड टू यूज देयर टैलेंट फुली इन द सेंस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कोशिश भी करनी है कि एम्प्लॉइज की कैपेबिलिटीज को एम्प्लॉइज की स्किल्स को इस तरीके से यूज करना है और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों गोल्स को अचीव कर पाए. नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. HRM इज नॉट अ शॉर्ट बी. इट कैनॉट बी प्रैक्टिस ओनली ऑन एन आवर ईच डे और वन डे ऑफ अ वीक. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. आप ये नहीं मान सकते कि भाई आपके सारे एम्प्लॉइज को हफ्ते में एक बार देख लिया या उनका मैनेजमेंट आपने तब ध्यान दे दिया या फिर दिन में एक बार आपने इस चीज के बारे में सोच लिया. दिस इज नॉट HRM. इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. It requires constant alertness and awareness of human relation and their importance in everyday operation. हर एक दिन हर एक कंपनी एक्टिविटी से जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में सोचना, बेसिकली अवेयर रहना, अलर्ट रहना, हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर फीलिंग, अप टू व्हाट मार्क दे आर वर्किंग, ये सब चीजों के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करना चाहते हैं. तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू डील विद द ह्यूमंस कि दे शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट द वर्क प्लेस. दे शुड वर्क विद द अपमोस्ट लेवल सो दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर पाए. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन. द नेक्स्ट पॉइंट इज HRM इज कंसर्न विद मैनेजिंग पीपल एट वर्क एंड कवर्स ऑल टाइप ऑफ पीपल एट ऑल द लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट अप्लाइज टू वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स एंड अदर टाइप ऑफ पर्सनल. कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन मीन्स कि देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे लोग नहीं होते हैं, एक ही एनवायरमेंट से लोग नहीं आते हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल विद डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटालिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल ऑफ स्किल्स. तो बेसिकली इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन कि HRM इज कंसर्न विद मैनेजिंग द पीपल एट वर्क. इसे ही बेसिकली मैनेजमेंट कहते हैं कि अलग अलग माहौल के अलग अलग एनवायरमेंट के लोग जिनके पास अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशन की गोल को पूरा करने में हेल्प कर सकती हैं, तो आप हर एक लेवल पर उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं कि एज अ टीम एज अ ग्रुप वो मिलकर काम करें और ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव कर रहे हैं. इट अप्लाइज टू द वर्कर, सुपरवाइजर, ऑफिसर्स, मैनेजर्स एंड अदर टाइप ऑफ पर्सनल. सभी के लिए अप्लाई होता है. आइदर ही और शी इज अ वर्कर, कोई एम्प्लॉय हो, कोई ऑफिसर हो, कोई मैनेजर हो. इट इज बेसिकली मैनेजिंग पीपल एट वर्क. किस तरह से वर्क प्लेस पर आप लोगों को मैनेज कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली HRM और द प्रोसेस ऑफ HRM. आई होप आपको अब तक की जो नेचर के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो क्लियर होंगे. इसके अलावा वीडियो के कंटेंट को, जो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के साथ उसका लिंक जुड़ा है, आप पॉइंट टू पॉइंट वहां से उनको फॉलो कर सकते हैं. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट इज कि आपको कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, आप कंटेंट को क्लियरली रीड कर पाए, समझ पाए. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ HRM. स्कोप ऑफ HRM मतलब द एरिया ओवर वेयर वी कैन यूज HRM, द एरिया ओवर वेयर HRM इज बेसिकली यूज. स्कोप ऑफ HRM इज वेरी वास्ट एंड वाइड. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसे एक यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एंटरप्राइज के इसको हम यूज कर रहे हैं. तो इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग टिल एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. HRM कहां से शुरू हुआ है, कहां तक चलता है. फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग, किस तरह के लोग चाहिए, कौन सा कार्य कौन सा व्यक्ति करने में ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उसकी प्लानिंग से लेकर भाई अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को जोड़कर काम करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले प्लान करना पड़ेगा. गूगल भी ऑफिसर फॉर द पर्टिकुलर थिंग, गूगल मैनेज दिस थिंग, लोगों को कौन इस चीज में देखेगा, इस तरह के काम को कौन कर पाएगा. तो ये सब हमारी मैनेजिंग होती है टिल द एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन. काम
प्लानिंग से लेकर अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन किसी वजह से छोड़ रहा है तो वो सारी चीजें एचआरएम के स्कोप के अंदर आती हैं। व्हेन एवर वी हायर द एम्प्लॉयज फ्रॉम दैट पॉइंट टू द पॉइंट दैट एम्प्लॉय एग्जिट द कंपनी इट कवर्स अंडर द स्कोप ऑफ एचआरएम। आई होप स्कोप का जो वाइडनेस है वो आप समझ पा रहे होंगे। कंपनी से स्टार्टिंग से लिंक होकर कंपनी को छोड़ तक जाने तक जितना भी ये जो टाइम पीरियड है जो ये एरिया है वो सब एचआरएम स्कोप में कवर होता है। अकॉर्डिंगली द स्कोप ऑफ एचआरएम कंसिस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिटेंशन। मैंने कब पिछली क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू रिटेन द एम्प्लॉय। अगर आप हायरिंग में समय दे रहे हैं क्योंकि कंपनी में जब भी हायरिंग का प्रोसेस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है, बहुत समय लगता है, बहुत पैसा भी लगता है कंपनी का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस तरह की स्किल को, इस तरह के लोगों को लंबे समय तक कंपनी से जुड़े रखें। तो ये सब चीजें इसके स्कोप में है, एक्वायर करना, डेवलप करना, मेंटेन करना एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। द सेम फॉर सब्जेक्ट्स में मैटर इन एचआरएम। सेकेंड पॉइंट इज द लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट, दिस इज कंसर्न विद मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेट्रा, द लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट। अगर हम स्कोप के बारे में देखें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली कवर्स ऑल द एरिया ऑल द पार्ट्स ऑफ लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट। मतलब ध्यान दीजिएगा इसकी प्लानिंग करना कि किस तरह के लोगों को हमको हायर करना है, उनको रिक्रूट करना, सिलेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लेसमेंट, ट्रांसफर भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में किस कार्य के लिए कौन ज्यादा बेहतर है, किस पर ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रमोट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव, इनको हम आगे की क्लासेस में और भी ज्यादा क्लियरली और डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू लेबर एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इज वेलफेयर एस्पेक्ट, इट डील्स विद वर्किंग कंडीशन एमेनिटीज सच एज कैंटीन, रेस्ट एंड लंच रूम्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। वेलफेयर एस्पेक्ट में भी एचआरएम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कोई भी एम्प्लॉय अगर कंपनी के साथ मोटिवेटेड होकर काम करने के लिए जुड़ा है, आप चाहते हैं कि वो इफेक्टिव मैनर में कंपनी का काम करे, तो वेलफेयर एस्पेक्ट्स की ड्यूटी भी एचआरएम के साथ जुड़ी है। मतलब एम्प्लॉयज को वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलनी चाहिए। भाई अगर आप कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं वहां पर हेल्थी वर्किंग एनवायरमेंट नहीं है तो आप एक या दो दिन के बाद आप वहां पर काम करने में कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा कैंटीन एरियाज, कैशे, रेस्ट एंड लंच रूम, इट इज द बेसिक एमेनिटीज दैट एवरी एम्प्लॉय रिक्वायर्स सच एज ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन फैसिलिटीज। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपके वेलफेयर एस्पेक्ट्स इसके स्कोप से जुड़े हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। आईआर एस्पेक्ट बेसिकली कवर्स द यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, ज्वाइंट कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रेवियंस, डिसिप्लिनरी एक्शन, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो दिस इज ऑल बेसिकली रिलेटेड टू आईआर एस्पेक्ट्स। जब दो लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छे एनवायरमेंट आपने प्रोवाइड किया, कई बार क्या होता है लोगों के जो माइंड सेट है वो अलग हो जाते हैं, चीजें समझने के नजरिए बदल सकते हैं, तो उसमें ग्रेवियंसेस हो जाते हैं, कई बार सेटलमेंट करना पड़ता है डिस्प्यूट्स का कि भाई हर एक एम्प्लॉय एक तरह के माहौल में एक तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर पा रहा है, कई बार चीजें चेंज हो जाती है, तो उनको भी डील करना ये सब एचआरएम से जुड़ी चीजें हैं जो उसके स्कोप के अंदर आती है। आई होप स्टूडेंट्स स्कोप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नेचर और स्कोप जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो आपको क्लियर होगा। साथ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि सारे कंटेंट को आप अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, डेफिनेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था कि एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। बट यहां पर आज इस क्लास में हम एक डिफरेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआर मैनेजमेंट। कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैं इस स्लाइड के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पर्सनल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्वियसली एचआर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दैट मीन्स रिक्रूटमेंट, हायरिंग,
staffing, development and compensation of workforce and relation with the organization to achieve the goals. Personal management क्या है? Employees की hiring से लेकर employees के compensation तक का जितना भी काम है, आपने किसी को hire किया, उसके बाद आपने उसका development पे काम किया, उसको compensate किया, तो ये जो सारी चीजें हैं इससे जुड़ी है personal management से. अब हम इसका difference की बात करते हैं कि what is the difference between HRM and personal management. तो ये स्लाइड के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आप इसको क्लियरली थोड़ा समझ पाए. देखिए इस पॉइंट में हम अगर मीनिंग की बात करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट. द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद वर्क फोर्स एंड द रिलेशनशिप विद द कंपनी. पर्सनल मैनेजमेंट का क्या बेसिकली अगर हम इसकी मीनिंग की समझने की कोशिश करते हैं तो इट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क फोर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन. वहां के एस्पेक्ट को हम पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं. एचआर इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट इज बेसिकली यूजिंग ऑफ मैन पावर इन इफेक्टिव मैनर फॉर बेटर वर्क एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स. तो पर्सनल मैनेजमेंट मतलब वर्क फोर्स और कंपनी के बीच की जो रिलेशनशिप्स हैं उसको पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं. एचआर आपको जैसे हमने क्लियर किया इट इज बेसिकली ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट फॉर यूजिंग वर्क फोर्स इन एन इफेक्टिव मैनर. अगर हम इसकी अप्रोच की बात करते हैं तो पर्सनल मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल अप्रोच से चलती है और ये मॉडर्न अप्रोच से चलता है एचआर. ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर, यहाँ पर अगर पर्सनल मैनेजमेंट एक एडवांस होकर एचआर में कन्वर्ट हुआ है. ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर, पहले क्या होता था, एम्प्लॉयज को मशीन्स और टूल्स समझा जाता था कि ही इज मेंट फॉर दिस, ये बंदा इस काम के लिए बना है, ये काम है. बट अगर हम बात करते हैं तो एचआर में एम्प्लॉयज को असेट्स समझा जाता है, जैसे लैंड वेंडर कैपिटल एक असेट है, तो इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज भी कंपनी की असेट होती है. टाइप ऑफ फंक्शन, पर्सनल मैनेजमेंट का रूटीन फंक्शन होता है. एचआरएम बेसिकली डील करता है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी मतलब लॉन्ग टर्म, ये रूटीन फंक्शन है. लोग और कंपनी की आपस की क्या रिलेशनशिप है रूटीन मैनर में देख सकते हैं, और स्ट्रैटेजिक मैनर में लंबे समय तक क्या सोचा जाता है एचआरएम. नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ पे, यहां पर जो लोगों को कंपनसेट किया जाता है बेसिस ऑफ पे, हाउ वी पे ऑफ पीपल. जॉब वैल्यूएशन, काम को वैल्यूएट करा जाता है, देखा जाता है, और यहां पर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होता है. काम में और परफॉर्मेंस में अंतर होता है. आप जो काम कर रहे हैं और आप उस काम को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें होती है. जब हम जॉब के अकॉर्डिंग वैल्यूएट करते हैं तो उसका जो कंपनसेशन है पे ऑफ है वो अलग बनता है, बट जब हम परफॉर्मेंस के हिसाब से वैल्यूएट करते हैं तो वहां पर जो बेसिस ऑफ पे है वो चेंज हो जाता है. तो एचआर में परफॉर्मेंस को वैल्यू किया जाता है और पर्सनल मैनेजमेंट में जॉब को. मैनेजमेंट रोल इज ट्रांजैक्शनल, और यहाँ पर मैनेजमेंट का रोल होता है ट्रांसफॉर्मेशनल. ट्रांजैक्शनल का मतलब है जब कोई काम पड़ा तो आपने उस रोल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया. ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब होता है कि व्हेन एवर यू ट्राइज टू मूव फ्रॉम लोअर एस्पेक्ट टू हायर. ट्रांसफॉर्मेशन, अभी बेहतर किया, आगे चल के और बेहतर करने के लिए आप रेडी हो गए तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है. कम्युनिकेशन इंडायरेक्ट होती है पर्सनली और इसलिए डायरेक्ट होती है. लेबर मैनेजमेंट होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग या कॉन्ट्रैक्ट बना दिए जाते हैं, जैसे कंपनी से बनते हैं वो पर्सनल मैनेजमेंट का पार्ट है. यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि हर एक एम्प्लॉइज को आपको इफेक्टिव मैनर में डील करना है. इनिशिएटिव, यहाँ पर बेसिकली पीस मिल होता है, यहाँ इंडिविजुअल है. पीस मिल मतलब जिसको जरूरत है, जिसके रिलेशनशिप अच्छे चल रही है, जिसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो उसको अपने लिए काम करना है. बट इंटीग्रेटेड है, कलेक्टिव, सभी को एक जैसा आपको लेकर चलना होता है. मैनेजमेंट एक्शन इज प्रोसीजर एंड एज पर द बिजनेस नीड. यहाँ पर मैनेजमेंट का एक्शन प्रोसीजर के हिसाब से होता है. कभी कोई परेशानी है, कभी कोई चीजें डील करनी है तो जो प्रोसेस बना है उसके अकॉर्डिंग. बट यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक्शन करता है. आने वाले समय पर बिजनेस को कब किस तरह से ऑब्जेक्टिव की जरूरत करने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से. एंड लास्ट इज डिसीजन मेकिंग इज स्लो. पर्सनल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग स्लो होते हैं, यहाँ पर फास्ट होते हैं एचआरएम में. जॉब डिजाइन, डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पर ग्रुप्स और टीम में जॉब को डिवाइड किया जाता है. यहाँ पर लेबर के अकॉर्डिंग बेसिकली फोकस कहा जाता है प्राइमरी ऑन मैन लेड एक्टिविटीज लाइक एम्प्लॉय हायरिंग, रेमुनरेटिंग, ट्रेनिंग एंड हायरिंग. यहाँ पर बेसिकली एज द असेट टू बी वैल्यूड एंड यूज रिजर्व. तो यहाँ पर फोकस रहता है ओनली एम्प्लॉयज में, और यहाँ पर फोकस रहता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक फोर डिफरेंस बताया है कि पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम में बेसिक डिफरेंस क्या है. आप इस वीडियो को लास्ट तक
देखें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और इस डिफरेंस को हम वीडियो के साथ एक लिंक में शेयर कर रहे हैं जिससे आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को अच्छे से समझ पाए। होपफुली आपकी वीडियो क्लियर होगी और जल्द आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और समझने के लिए वीडियो को लास्ट